तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आया साइकिल सवार, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। पतरातु प्रखंड के भुरकुंडा रिवर साइड पीओ ऑफिस के समीप तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। बता दें कि रिवर साइड निवासी नागेश्वर ठाकुर लपंगा वेंकटेश फैक्ट्री से काम करके अपने घर लौट रहे थे, तभी रिवर साइड पीओ ऑफिस के समीप एक अज्ञात हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही नागेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भुरकुंडा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ भेज दिया। वहीं नागेश्वर ठाकुर की मौत की खबर सुनते ही लोगों ने गिद्दी भुरकुंडा मार्ग को रात भर जाम कर दिया। वहीं सुबह सीओ शिवशंकर पांडे और भुरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों की बातें सुनी। लोगों की मांग थी कि मृतक के परिजनों को मुआवजे की रकम दी जाए। वहीं शिवशंकर पांडे ने मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए, हिट एंड रन के केस में सहायता राशि और तत्काल 20,000 रुपये देने की बात कही और वृद्धा पेंशन देने की भी बात कही। उसके बाद लोगों के द्वारा जाम को हटा दिया गया। पतरातु से जयकिशन पाठक की रिपोर्ट। चालकों को हटाना होगा। मामला हम लोगों ने उसके बाद भी ट्रांसपोर्टिंग को ठप किया है और उनकी मौत तत्काल हुई कि कहाँ हुई है तो खैर हम लोग को 1 घंटा के बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। ये भी एक विषय वस्तु है और हम लोगों ने कल रात्रि 9 बजे से चक्का जाम किया था, जो कि अभी 9 बजे रात्रि 9 बजे दिन तक है। बरका साल के इतिहास में यह 12 घंटा का चक्का जाम पहली बार हुआ। मामला स्पष्ट है कि जो सड़क दुर्घटना हो रही है इसमें जो मृतक को उचित मुआवजा दिया जाए और जो आश्रित है मृतक के उनके आश्रित को संबंधित जहाँ पे उनके पिता काम करते थे वहाँ नौकरी दिया जाए। बुध बाज़ार बड़ा ऑफिस से लेकर के गिद्दी पुल तक स्पीड ब्रेकर का निर्माण हो। बुधवार के दिन बुध बाज़ार में बड़े वाहनों की नो एंट्री हो, यही हमारा मांग है। क्या घटना घटित थी? घटना कोई अज्ञात वाहन था, किसी के माध्यम से पता चला कि हाईवा था और उसे चोट लग गया। वो ड्यूटी के दौरान लौट रहे थे वेंकटेश से और उनकी तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। शाम की घटना है, व्यक्ति जो साइकिल से कहीं से आ रहे थे हाईवा के चपेट में आकर अपने जान गंवा दिए। उसी के आक्रोश में लोगों ने यहाँ GM ऑफिस के पास जाम किया था। सूचना मिलने के बाद आज हम आए और जो सरकारी प्रावधान है हिट एंड रन के केस में 2 लाख रुपए का मुआवजा राशि मिलता है, पारिवारिक इतलाब के 20,000 रुपये दिए जाते हैं और विधवा पेंशन भी स्वीकृत करने का हमने आश्वासन दिया कि जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा तुरंत इसकी प्रक्रिया शुरू करके जल्द से जल्द भुगतान कराने की कोशिश करेंगे। और उनकी मांग थी कि हाईवा जो तेज़ गति से चल रही है उसके लिए एक दो जगह स्पीड ब्रेकर बनवाया जाए, जिसके लिए हम लोग GM साहब से बात करके स्पीड ब्रेकर भी बनवाने की कोशिश करेंगे और इन्हीं आश्वासनों के बाद जाम हटा लिया गया।